चिकन ब्रेड बना रहे हैं। इससे पहले भी मैंने आपको एक तरीका बताया था, ये दूसरा तरीका है। समटाइम्स हमारे घर में चिकन बच जाता है और हमें समझ नहीं आती उसे कैसे यूटिलाइज करें, तो उसका तरीका ये है कि आपने 2 कप मैदा लेना है। अभी मैंने 1 कप मैदा डाला है, उसमें 1 अंडा डाला है और नमक जायके के मुताबिक। साथ ही मैंने ईस्ट को 2 चम्मच पानी में घोला है और उसके साथ मैंने 1 चम्मच ईस्ट और 1 ही चम्मच चीनी डाली है और इसे 4-5 मिनट के लिए आप इसी तरह रहने दें ताकि ये अच्छी तरह जज्ब हो जाए जो पानी हमने डाला है। और साथ हम मैदे को गूंद लेते हैं दूध के साथ और 2 चम्मच इसमें ऑयल डालते हैं। और चिकन हमारे पास पड़ा हुआ है जो रात को बच गया था। बस आप इस तरह गूंद लें, ऐसा डो बन जाए जिससे आप रोटी बना पाए। अब हम इसमें ईस्ट और चीनी जो पानी में घोली थी वो मिक्स करते हैं। और साथ ही 1 कप मैदा जो हमने पहले 1 कप मैदा डाला था अब दूसरा डाल रहे हैं। थोड़ा थोड़ा डालकर आप इसे गूंदते जाएं। बस आपने एक सॉफ्ट सा डो बनाना है। डो तैयार हो गया है। अब हम ना इसे 2 घंटे के लिए रख देते हैं ताकि ये फूल जाए। अब हम ब्रेड में डालने वाली फिलिंग तैयार करते हैं। इसमें आपने प्याज काट के डालना है और प्याज आप मीडियम साइज का ले सकती हैं। और इसमें 2 चम्मच ऑयल डालते हैं और प्याज को आपने ब्राउन नहीं करना, पिंक ही रहने देना है। ये फिलिंग वैसी ही है जैसी हमने चिकन पैटीज में बनाई थी। 2 मिनट के बाद प्याज पिंक हो गया है। अब हम इसमें मैदा डालते हैं और मैदा के ये ऑल पर्पज फ्लावर है, इसको आपने हल्का सा इसी ऑयल में फ्राई भी करना है, यानी कि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। असल में हमने मैदे का कच्चापन दूर करना था, वो दूर हो गया है, इससे अब कच्चेपन की स्मेल नहीं आ रही। अब हम इसमें दूध डालते हैं। ये तकरीबन 1 कप से थोड़ा सा कम है और स्पाइसी बनाने के लिए मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ और थोड़ी सी काली मिर्च डालूंगी और नमक और ये सब कुछ आपने अपने जायके के मुताबिक डालना है। और आखिर में श्रेड किया हुआ चिकन, यानी कि चिकन को मैंने पहले उबाल लिया था फिर उसके बारीक बारीक पीस कर लिए। और ये चिकन आप जो बाल्टी चिकन से या कढ़ाई चिकन से या आलू गोश्त से जिसमें हम चिकन बनाते हैं, शोरबे वाला चिकन हो गया, कोरमा हो गया, बच जाए तो उस चिकन को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको ड्राई कर लेना है और इस वक्त अब आप इसका नमक मिर्च चख सकते हैं। आपको जिस किस्म का मसाला चाहिए, यानी कि जिस किस्म का नमक मिर्च चाहिए, आप इस वक्त डाल सकते हैं। मेरा तो बिल्कुल परफेक्ट है। मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च भी डाली है
ब्लैक पेपर भी डालना है और नमक। कुछ लोग इसमें गरम मसाला भी डालते हैं। और साथ ही हमारा डो तैयार हो चुका है। हम उसके पहले रोटी बेलेंगे और फिर उसके अंदर ये फिलिंग रखेंगे। फिलिंग तैयार हो रही है और एक तरफ हम ये रोटी बेल रहे हैं। साइज आपने उतना रखना है जितना आपको चाहिए। फैमिली बड़ी है तो बड़ा बना लें, और अगर छोटी है तो फिर आपको छोटा साइज रखना होगा। फिलिंग तैयार हो गई है। देखिए इसमें दूध डाला था वो ड्राई हो गया है, और अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। और दूसरी तरफ हम ब्रेड को बेल रहे हैं। ये मैंने ओवल शेप में इसको बेला है क्योंकि इसे मैंने फिश की शक्ल देनी है। डो को मैंने ओवल शेप देकर पिज़्ज़ा प्लेट में रख दिया है। अब हम इसके अंदर फिलिंग रखते हैं और उसके बाद इसे शेप देते हैं। हमने चूंकि फिश की शक्ल देनी है इसलिए उसको इस तरह पिज़्ज़ा कटर से काट लें। ये फिश की शेप हमने तैयार कर ली है। अब हम इसके ऊपर अंडा लगा देते हैं। प्री हीट ओवन हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसमें ओवन में रखते हैं और हमने 220 पे ओवन प्री हीट किया हुआ है। अगर आपके पास तिल हैं तो आप इसके ऊपर डाल दें, लेकिन मेरे पास तिल नहीं है तो मैं चंद एक दाने कोलंजी के डाल रही हूँ सिर्फ डेकोरेशन के लिए। और काले रंग के भी तिल होते हैं, आप वो भी डाल सकती हैं। गेंजी चिकन ब्रेड तैयार है। अब आप इसे किसी भी शेप में काट लें। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। ये देखिए कितने मज़े से कट गया है। और इसका निचला हिस्सा देखिए बिल्कुल ब्राउन है और ऊपर से लाइट ब्राउन है।